हेलो मेरी प्यारी फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और मकर संक्रांति आने वाली है, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, तो मैंने दूध मंगवाया है। हम लोग भैंस का दूध मंगवाते हैं, ऐसे तो हम लोग के यहाँ गाय का दूध आता है, बच्चे भी पीते हैं और माँ पापा भी पीते हैं, तो गाय का दूध ही आता है। लेकिन दही जमाने के लिए हम लोग स्पेशली भैंस का दूध मंगवाते हैं, जो दूध वाले भैया हम लोग को दूध दे के जाते हैं ना, उन्हीं के यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध यहाँ गर्म हो रहा है। ये 6 लीटर दूध है, लेकिन इसको गर्म करके हम लोग इसको इतना खौलाएंगे कि इसको 4 लीटर कर लेना है। हम लोग गैस का जो अपना फ्लेम है उसका मीडियम रखेंगे हम लोग, और इसको इसी तरह खौलाते रहना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, 6 लीटर दूध को हम लोग को 4 लीटर कर देना है। बहुत सूंधी सूंधी खुशबू आने लगेगी दूध में से, फिर इसको बंद कर देना है। उसके बाद हम अपनी दही जमाएंगे। और ये जो हमारा दूध है, इसे बीच बीच में चला देना है, ऐसे करके। नहीं चलाने से क्या होगा, ये नीचे पेंडी में जो दूध है वो लग जाएगा और दूध जल जाएगा, और इसमें बहुत गंदी आती है दूध जल जाने पे, तो दही भी हमारी अच्छी नहीं जमेगी। तो बीच बीच में देखिए ऐसे चलाते रहना है इसको। तो हमारा दूध अच्छी तरह से खोल चुका है, मैंने गैस चूल्हा बंद कर दिया है। और देखिए थोड़ा थोड़ा आपको लाल भी लग रहा होगा, इसका कलर लाल लग रहा होगा आप लोगों को। और फिर इसको मिट्टी, जब थोड़ा सा ये थोड़ा सा गर्म रहेगा तो इसको मिट्टी के हांडे में उछल के इसमें हम लोग दही का जोरण डालेंगे। देखिए दोस्तों, ठंडा होने पर कितनी मोटी मलाई जमी है हमारे दूध पे, देखिए। अब रात में हम इसमें अपना दही का जोरण डालेंगे और कल सुबह तक हमारी दही जम के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, ये है वो मिट्टी का बर्तन, देखिए इस तरह से। इसको पानी में डाल के लगभग आधे घंटे तक छोड़ दिया था मैंने, और इसी में हम लोग अपनी दही जमाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी पति देव आए हैं, तो वो चूड़ा, तिल का लड्डू और थोड़ा सा तिल लाए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये बासमती चूड़ा है, और ये देखिए तिल का लड्डू, और ये थोड़ा सा तिल। इसमें हम लोग अरवा चावल मिला के, गुड़ मिला के हम लोग भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं, अपने जो कुल देवता हैं उनके ऊपर चढ़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति कब है हम लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। कोई बोल रहे हैं 15 तारीख को है, कोई बोल रहे हैं 14 तारीख को है। तो माँ पापा तो गांव गए हुए हैं, माँ पापा बराबर गांव जाते रहते हैं, तो अभी वही गांव गए हैं वो लोग। और शाम में माँ से बात करूंगी, मैं पूछूंगी कि माँ कब है, वो बताएंगी। ऐसे तो मैंने आपको शुरू में बताया था 2 दिन बाद है, सॉरी कल या परसों रहता, लेकिन अभी कुछ मतलब फिक्स नहीं है कल है कि परसों है, यानी 14 को कि 15 को। ऐसे तो अधिकतर 14 तारीख को ही होता है, बट हम लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। कोई बोल रहे हैं 14 को है, कोई बोल रहे हैं 15 तारीख को है। तो शाम में माँ से बात करके फिर मैं डिसाइड करती हूँ। और ये लिपस्टिक और काजल मैं घर में लगा के नहीं रहती हूँ, शॉर्ट्स बनाया है उसी के लिए तैयार हुई थी मैं, उसी का है। तो अभी देखिए इस चलनी में हम लोग इस चूड़ा को इस तरह से चाल लेंगे, इससे हमारा चूड़ा साफ हो जाएगा, कल यही दही चूड़ा खाया जाएगा। देखिए ये सब निकलता है चालने से। हाँ देखिए, देवरानी काट रही है कोहड़ा, दिखाओ पिंकी कोहड़ा को। इसकी मीठी सब्जी बनेगी सुबह, और ये देखिए गोभी मटर की सब्जी बनेगी सुबह, और राजवीर की शैतानिया भी देखिए। दोस्तों अभी रात का समय है, और देखिए पतिदेव आ गए हैं दुकान से, तो दूध को हल्का सा गर्म कर लिया हम लोगों ने। तो पतिदेव बोल रहे हैं लाओ थोड़ा सा दही इसमें डालता हूँ मैं, देखिए वही जमा रहे हैं दही आज की। हमने इस मिट्टी के हांडी को बहुत अच्छी तरह से गैस चूल्हे पर चढ़ा के गर्म कर लिया था, फिर उसमें दूध डाला, फिर थोड़ा सा दही का जोरण डाला, आपने देखा ही। और देखिए कितनी हिफाजत से इसको बेडशीट वगैरह लपेट के हम लोग दही जमाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है ना अभी। दोस्तों देखते हैं कैसी जमी है हमारी दही, देखिए कितनी अच्छी जमी है, कितनी अच्छी तरह से जमी है, देखिए। तो मकर संक्रांति की हमारी दही तैयार।
मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। अब जा रही हूँ भगवान जी को तिल गुड़ चावल का भोग लगाने। और आज मकर संक्रांति है तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं। देखिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे बेटे का बर्थडे का जो ब्लॉग मैंने डाला था, आपने सभी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा लगा। आप सभी के कमेंट्स बहुत अच्छे लगे। तो मेरी तरफ से भी और मेरे बेटे की तरफ से भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना प्यार ऐसे ही पम्मी राजा ब्लॉग के साथ बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते रहिएगा। तो चलिए, बाय एंड टेक केयर।